की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान शहर के सराय ओपी थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ के समीप एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। तोड़फोड़ की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह असामाजिक तत्व तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस तोड़फोड़ में पेट्रोल पंप पर रखे स्कूटी के साथ कई सामानों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। पेट्रोल पंप के संचालक मोहम्मद खालिद ने बताया कि वो घर पर थे, तब पंप के कर्मचारियों ने बताया कि 25 से 30 लोग पेट्रोल पंप पर आए हैं और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सराय ओपी थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों की पहचान हो गई है, कैमरे से पहचान कर सबके खिलाफ नामजद FIR दर्ज करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही सराय ओपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। ये करीब 2:55 या 3 बजे के करीब की घटना है। मैं घर पे था तो मेरे स्टाफ के फोन आया कि पंप पे कुछ महापुर के करीब 25-30 लोग हमला करने पंप पे आए हुए हैं, आप जल्दी आइए। तो मैं घर से ही थाना को फोन किया, थाना प्रभारी ने बोला ठीक है, हम प्रशासन भेज रहे होंगे। जब आए हैं तो देखे कि पूरा यहाँ पे मेरा ऑफिस का पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया, गाड़ी है, गाड़ी की तोड़फोड़, ये जिस मशीन है पंप सबकी तोड़फोड़ किया गया है। और ये ऐसा हमेशा महापुर के लोगों द्वारा किया जा रहा है। अभी तो मैं पिछला 2 FIR किया, लोगों की पहचान नहीं हो सकी थी, नेम्ड FIR पहले, लेकिन इस बार CCTV फुटेज में सभी लोग के चेहरा दिख रहा है। मैं नाम पता कर करके नेम्ड FIR करूंगा। और इसमें पंप का जो डिस्प्ले वगैरह हुआ है, 2-4 दिन बनने में भी टाइम लगेगा, मेरा सेल भी डिस्टर्ब हो गया, करीब 5 लाख रुपये का नुकसान है अभी। और अगर ऐसे ही होते रहेगा तो कौन व्यवसायी इधर बिजनेस करेगा। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें।
डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।